राम राम बेसारे भाई। आज अपना 75 हार्ड डे चैलेंज का 16वां दिन और पढ़ के हनुमान चालीसा। आज नहीं जाएंगे जिम, घर पे ही लगाएंगे एक्सरसाइज। तो घर की एक्सरसाइज में मैंने सबसे पहले इंक्लूड की है स्टेयर्स को। स्टेयर्स वाली एक्सरसाइज के आप 8 से 10 सेट लगा सकते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग का टाइम होता है और इन कुत्तों की लड़ाई उसी टाइम पे होती है, ये भी बहुत बड़ा पंगा है भाई रिकॉर्डिंग। तो वापस चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। तो स्टेयर्स की बात चल रखी थी, 8 से 10 सेट लगा सकते हो आप स्टेयर्स के। इससे काफ़ी अच्छा वार्म अप हो जाएगा और नेक्स्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग में आती है, और मैंने जिम में भी बताई थी, फिर वो फ्लैट सरफेस पे थी, लेकिन यहाँ पे आप इनको स्टेयर्स में भी कर सकते हैं। आपकी नी और हैमस्ट्रिंग और आपकी जो फ्रंट पार्ट है लेग का, उसकी अच्छी स्ट्रेचिंग होएगी इससे, और नी की प्रॉब्लम में भी काफ़ी राहत मिलेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वार्म अप सेट की तरफ, रनिंग कर लेते हैं। छत का ही ग्राउंड बनाया हुआ है आज, तो इसकी एक थोड़ी दिक्कत भी है, पड़ोसी थोड़ी टेंशन में रहते हैं भाई, लड़के को पता नहीं क्या हो रखा है, सुबह शाम जब देखो कभी रनिंग में, कभी जिम में, कभी अपनी योगा मैट उठाए हुए, कभी इधर कभी उधर। पता नहीं लड़का स्पोर्ट्स में कितना एक्टिव है, इन एक्टिविटी से तो लगता होगा इनको। लेकिन मैं जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, ताकि स्वस्थ रह सकूँ और एक अच्छा शरीर बनाए रख सकूँ। वैसे मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग का है, पढ़ाने का बच्चों को। तो चलिए चलते हैं अब अपनी, यूज करते हैं योगा मैट का। और जो आज की एक्सरसाइज स्टार्टिंग में रहेगी, प्लैंक से स्टार्ट करेंगे आज की जो एक्सरसाइज है। लास्ट टाइम भी हमने प्लैंक से स्टार्ट किया था, मेनली यही एक्सरसाइज हैं जो घर पे की जा सकती काफ़ी अच्छे से। वैसे तो 100 के आसपास एक्सरसाइज होंगी, लेकिन इतनी पॉसिबल नहीं होती, वो दिखाने की होती है भाई, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन अपना काम है जो सही एक्सरसाइज है जो की जा सकती है बड़े आराम से, इजीली फॉलो कर सकते हैं और जिनके रिजल्ट अच्छे हैं, ये वो वाली एक्सरसाइज है। तो कम से कम 3 सेट लगाने हैं आपको प्लैंक्स के, और हो सके तो टाइमर लगा के रखें, 1 मिनट के आसपास तक का 1 सेट लगाएं, या फिर 45 सेकेंड तो होल्ड करके कम से कम रखें ही, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। और ऐसे मास्टर भी पड़े हैं एक से एक, जो 10 10 मिनट तक प्लैंक बनाए रखते हैं। बात चल रही है नॉर्मल, जो बंदे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते उनके लिए है ये एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैं एक और एक्सरसाइज बताऊँगा जिनको बैक में पेन रहता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, राइट हैंड के साथ पीछे से आपको लेफ्ट फुट को टच करना है, और लेफ्ट हैंड के साथ जो है राइट फुट को टच करना है, यानी दाएं हाथ के साथ आपको बाएं पैर को छूना है, यानी जिस हाथ से लिखते हैं उस हाथ से दूसरे वाले पैर को, और बाएं वाले हाथ से फिर आपको दाएं पैर को छूना है पीछे से, और थोड़ी देर तक होल्ड करके रखना है इस चीज़ को। इससे दोनों ही पेन में राहत मिलेगी, अपर बैक में और लोअर बैक में जिनको दिक्कत रहती है उनके लिए। तो चलिए फिर से एक और सेट कर लेते हैं प्लैंक का। तो चलिए अब एंगल चेंज कर देते हैं। थोड़ा एंगल चेंज करने से जो लास्ट मैंने आपको एक्सरसाइज दिखाई थी प्लैंक के अलावा, वो दोबारा से इस एंगल से थोड़ा ठीक से दिख पाएगा आपको कि मैं कौन से हाथ के साथ कौन से पैर को टच कर रहा हूँ। देखिए दोबारा से ऐसे बैठ के, और आपका जो राइट हैंड है उसको लेफ्ट जो फिट है उसको पकड़ें एक बार इसके साथ, और जो लेफ्ट हैंड है उसके साथ जो राइट फिट है उसको टच करके रखें थोड़ी देर, या पकड़ भी सकते हैं अगर आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है तो आप और ज़्यादा बैंड हो सकते हैं इसमें। तो चलिए अब करके ये एक्सरसाइज ख़त्म, आप चलते हैं साइड प्लैंक की तरफ। साइड प्लैंक लगाते हुए आपको क्या होएगा, सबसे पहले आपकी जो कोहनियाँ हैं उनमें बड़ा पेन होएगा स्टार्टिंग में जब आप पहली बार ट्राई करोगे,
लेकिन जब आप लगातार एक वीक तक या दो हफ्ते तक जब इसको ट्राई करते हुए आपको हो जाएंगे, फिर आपका ये पेन ख़त्म हो जाएगा और छिल भी जाएगी आपकी जो स्किन है वहाँ से। ये तेज़ हवा चल रखी थी, कैमरा भी नीचे गिरा। सुबह सुबह 5:30 या 6 के आसपास बड़ा अच्छा मौसम होता है छत पे। तो अब दूसरी साइड से करते हैं साइड प्लैंक को। अब राइट हैंड साइड और पैरों की पोजीशन भी देखना, एक पैर जो है दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है और जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, जैसे नीचे वाला हैंड है वैसे ही। इसके तीन तीन सेट करने हैं, तो मैंने वीडियो में सिर्फ एक ही सेट रिकॉर्ड करके दिखाया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। ये वाला सेट जो है कोर मसल और अपर एब्स के लिए है, जिसमें दोनों हाथों को मिला के जो है आप नी के बीच से ऊपर की तरफ लेके आते हैं बॉडी को उठा के और फिर से सेम पोजीशन में वापस चले जाते हैं। स्टार्टिंग में जब कोई इसको करता है तो बड़ी दिक्कत होती है ये वाली एक्सरसाइज करने में, क्योंकि उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप पैरों पे कोई वेट रख सकते हैं या कोई आपके साथ जो हो वो पैर पे थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए और फिर आप बड़े आराम से जो ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो आपका साथी होएगा वो गिन भी सकता है कि आपने कितने की है ये वाली एक्सरसाइज। तो चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज। इसका भी जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो जाता है अपनी एब्स पे। देखने से बड़ी इजी लगती है कि ऐसे पैर हिलाने से क्या होता होगा, आप खुद ट्राई करके देखें तो आपको पता लग जाएगा 30 सेकंड में ही इसका कितना असर होता है आपके एब्स के ऊपर या आपकी पेट की जो चर्बी है उसके ऊपर। जो ये लेग रेज वाली एक्सरसाइज, इसके भी आप 12 से 15 रैप लगा सकते हैं और 3 सेट लगा सकते हैं इस एक्सरसाइज के। 3 सेट में ही आपको काफ़ी इफ़ेक्ट दिखेगा इसका, काफ़ी साइज़ कम होएगा आपके पेट का। और लेग रेज के बाद एकदम से ये वाली एक्सरसाइज ज़रूर करें। इसमें आपको अपनी जो टांगे हैं उनको रोक के रखना होता है, लेग को होल्ड करना होता है थोड़ी देर के लिए। 30 से 35 सेकंड तक एक सेट में आप करें, या 45 सेकंड हो सके या एक मिनट तक हो सके तो और भी बढ़िया है। तो चलिए आज का जो अपना है वो वर्कआउट पुशअप से ख़त्म कर लेते हैं। तो चलिए सुबह का वर्कआउट अपना ख़त्म हुआ आज का, और आज से नवरात्रि भी स्टार्ट हैं तो थोड़ा घर पे काम भी करवाना पड़ेगा। और पुलअप्स के लिए खास मना ही है भाई, ये टूट भी सकता है तो पुलअप्स नहीं लगाऊंगा। तो आज से भाई नवरात्रि स्टार्ट हो गए, तो आप सभी को आश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। प्रथम नवरात्रि में शैलपुत्री माँ आपको संकल्पवान बनाए। जय माता दी, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।